दोस्तों, वेलकम टू अजय आईटी एजुकेशन। चलिए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन का चैप्टर नंबर 2 औजार, जिसका नाम है औजार अथवा टूल्स। इस चैप्टर के अंतर्गत किसी विद्युत कार्य के द्वारा कौन कौन सा टूल्स उपयोग किया जाता है उसके बारे में डीपली पढ़ेंगे और कौन सा टूल्स का क्या काम है, किस मटेरियल का बना है इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कम्बिनेशन प्लायर। प्लायर मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, कम्बिनेशन प्लायर, और दूसरा है नोज प्लायर जो कि 2 तरह का होता है, फ्लैट नोज प्लायर और राउंड नोज प्लायर, और तीसरा है साइड कटिंग प्लायर। तो सबसे पहला देखते हैं कम्बिनेशन प्लायर। ये आप देख सकते हैं इस प्लायर में मुख्य रूप से 4 पार्ट्स होता है। ये जॉ है जो किसी जॉब को होल्ड करने का काम करता है, पकड़ने का काम करता है। ये कटर है, वायर वगैरह को कटिंग करने का काम करता है। ये फलक्रम है जहाँ से ये हमारा प्लायर मूवेबल बन पाता है, एक प्रकार का मूवेबल पार्ट होता है ये, और ये हमारा हैंडल है। इस प्लायर को कम्बिनेशन प्लायर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस प्लायर के द्वारा हम कई प्रकार के काम लेते हैं, जैसे कटिंग, ट्विस्टिंग एवं होल्डिंग। इस प्लायर से हम कटिंग का काम कर सकते हैं। कटिंग करने के लिए आप देख सकते हैं कटर लगा हुआ है। ट्विस्टिंग मतलब किसी वायर वगैरह को मोड़ने के लिए, ट्विस्ट करने के लिए, और होल्डिंग मतलब किसी जॉब को पकड़ के रखने के लिए जॉब बना हुआ है, इसमें ग्रिप रहता है, किसी भी मटेरियल को हम होल्ड करा सकते हैं। तो कम्बिनेशन प्लायर इंसुलेटेड भी होता है और नॉन इंसुलेटेड भी होता है। इंसुलेटेड कहने का मतलब ये जो हमारा एरिया है इसका हैंडल्स, इसमें एक प्रकार का इंसुलेटर लगा होता है। इंसुलेट कर देने से ये लाइव वायर पर कार्य करने के उपयुक्त तो बन जाता है, मतलब बिजली के चालू लाइन पर हम काम कर सकते हैं। और अगर इसमें इंसुलेशन नहीं लगा हुआ है तो हम लाइव वायर के अलावा अन्य जगह पर इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है नोज प्लायर। नोज प्लायर 2 तरह का है, पहला है फ्लैट नोज प्लायर और दूसरा है राउंड नोज प्लायर। तो फ्लैट नोज प्लायर के द्वारा हम फ्लैट ऑब्जेक्ट मतलब जो आकार में बड़ा हो, चौड़ा हो, इस प्रकार के ऑब्जेक्ट को केवल होल्ड करते हैं फ्लैट नोज प्लायर के द्वारा। दूसरा है राउंड नोज प्लायर। राउंड नोज प्लायर का उपयोग हम ऐसी जगह में करते हैं जहां आमतौर पर जनरली जो प्लायर है इस्तेमाल नहीं हो पाता, जैसे किसी किसी मशीन में ऐसी जगह नट लगा होता है जहां स्पेस बहुत कम होता है। नैरो स्पेस में नट बोल्ट को खोलने के लिए, किसी वायर का ज्वाइंट बनाने के लिए हम राउंड नोज प्लायर का इस्तेमाल करते हैं। छोटा छोटा नट जो नैरो स्पेस में होता है जहां अन्य प्लायर नहीं पहुंच पाता, या कोई लंबा सा होल्स हो उसके अंदर हमारा स्क्रू है, कसना है, तो हम नोज प्लायर का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा आता है साइड कटिंग प्लायर। साइड कटिंग प्लायर के साइड में कटर बना होता है, इसके द्वारा हम किसी भी वायर का इंसुलेशन को उतारते हैं। मुख्य रूप से जब आर्मेचर का वाइंडिंग किया जाता है तो आर्मेचर में जो उपयोग किया जाने वाला वायर होता है उसका इंसुलेशन को उतारने के लिए या उसको कट करने के लिए हम साइड कटिंग प्लायर का इस्तेमाल करते हैं। कम्बिनेशन प्लायर मुख्य रूप से उसका जो साइज होता है 150 mm एवं 200 mm अर्थात 6 इंच एवं 8 इंच में बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है स्क्रू ड्राइवर अर्थात पेचकश। स्क्रू ड्राइवर जो होता है उसमें मुख्य रूप से 3 पार्ट्स होता है, हैंडल, बीट और टिप। इसका जो हैंडल होता है ये आपको वुड या प्लास्टिक का बना होता है, वुड मतलब लकड़ी का या प्लास्टिक का बना होता है। जो बीट होता है वो हार्ड स्टील का बना होता है, और जो टिप होता है वो टेम्पर्ड स्टील का बनाया जाता है, मतलब इसके बीट से इसका जो टिप होता है उसको हार्डनेस बढ़ा दिया जाता है। इसका काम मुख्य रूप से किसी भी स्क्रू को खोलने अथवा कसने में किया जाता है। जब हम किसी मकान में वायरिंग करते हैं तो वायरिंग में जो उपयोग होता है स्विच, सॉकेट, बल्ब होल्डर इत्यादि में जो लगा होता है स्क्रू, उसको खोलने अथवा कसने में इसका इस्तेमाल होता है। पेचकस का जो साइज होता है 100 mm, 75 mm, 7500, 150 से 200 mm तक बनाया जाता है, अर्थात 2 इंच, 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच, इस प्रकार से कई साइज के रूप में ये उपलब्ध होता है। एक इलेक्ट्रीशियन के लिए मुख्य रूप से 75
mm लंबाई वाला, 75 mm लंबाई वाला जो स्क्रू ड्राइवर होता है उपयुक्त होता है, और जिस स्क्रू ड्राइवर का लंबाई 75 mm होता है उसको कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर बोला जाता है, कनेक्टर स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं, जो किसी इलेक्ट्रिशियन के लिए मुख्य रूप से उपयोगी है। इलेक्ट्रिशियन नाइफ जो होता है किसी वायर अथवा केबल का इंसुलेशन मतलब कवर को उतारने के लिए इलेक्ट्रिशियन नाइफ का इस्तेमाल होता है। इसमें दो फोल्डिंग ब्लेड होता है, इलेक्ट्रिशियन नाइफ में फोल्डिंग ब्लेड की संख्या दो होता है। इसमें जो एक ब्लेड होता है वो इंसुलेशन को उतारने का काम करता है, इंसुलेशन को रिमूव करने का काम करता है, और दूसरा जो ब्लेड होता है वायर को क्लीन करने का काम करता है। इलेक्ट्रिशियन नाइफ का जो लंबाई होता है मुख्य रूप से ब्लेड की लंबाई के आधार पर इसका साइज मापा जाता है। यहाँ से यहाँ जितना लंबाई रहेगा उस आधार पर इसका साइज निर्धारित होगा। इलेक्ट्रिकल लाइन में इलेक्ट्रिशियन के द्वारा मुख्य रूप से 50 mm लंबाई का अर्थात 2 इंच लंबा इलेक्ट्रिशियन नाइफ का मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आता है टेस्ट लैंप, चौथा है टेस्ट लैंप। टेस्ट लैंप में मुख्य रूप से एक होल्डर होता है लगा हुआ, होल्डर के अंदर हम एक लैंप सेट कर लेते हैं और इसके द्वारा सप्लाई चेक करने के लिए टेस्ट लैंप का इस्तेमाल होता है। कहाँ पे किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको हम इसके द्वारा चेक करते हैं।